सराहना लगाना है लगा लो, शांति से लेट जाओ। अपने आप को छोड़ दो, पूरी तरह से छोड़ दो, रिलैक्स छोड़ दो। अपने आप को पूरा रिलैक्स छोड़ दो। हिप्नोथेरेपी फॉर रिलीजियस ओसीडी। रिलीजियस ओसीडी के अंदर डेटा हिप्नोथेरेपी से इस प्रकार डिलीट होगा। आराम से लेट जाएं, जैसे सांस आ रहे हैं आने दो, जैसे जा रहे हैं जाने दो। ना सांस लेना ना छोड़ना, सांस लंबा आता है आने दो, सांस छोटा आता है आने दो। जैसा सांस आता है आने दो, जैसा सांस जाता है जाने दो। अब आपने ना सांस लेना ना छोड़ना, जैसा आ जाता है आने दो, जैसा चला जाता है जाने दो। सांस आ रहा है और जा रहा है। पूरा शरीर ढीला छोड़ दो, जो विचार आता है आने दो, जो विचार जाता है जाने दो। ना किसी विचार को बुलाना ना किसी विचार को भगाना, ना किसी विचार को सही कहना ना किसी विचार को गलत कहना। जो जैसा आता है आने दो, जाता है जाने दो। आने वाले को रोकना नहीं, जाने वाले को टोकना नहीं। जैसे विचार आते हैं आने दो, जैसे जाते हैं जाने दो।
पूरा ध्यान दोनों पैरों के ऊपर, दोनों पैरों को बिल्कुल ढीला छोड़ दो, दोनों पैरों को एकदम ढीला छोड़ दें। अब आपके दोनों पैर ढीले होते जा रहे हैं, दोनों पैर और ज़्यादा ढीले हो रहे, दोनों पैर बहुत ढीले होते जा रहे। अब आपके दोनों पैर पूरी तरह से ढीले होते जा रहे, दोनों हाथों को भी ढीला छोड़ दें, दोनों हाथों की उंगलियां ढीली, अंगूठे भी ढीले, दोनों हाथ और ज़्यादा ढीले हो रहे हैं, दोनों हाथ पूरी तरह से ढीले होते जा रहे हैं। अब आपके दोनों हाथ बिल्कुल ढीले होते जा रहे हैं। कंधों को ढीला छोड़ दें, अब आपके कंधे ढीले हो रहे हैं, कंधे और ज़्यादा ढीले हो रहे हैं, अब आपके कंधे बहुत ढीले हो रहे हैं, अब आपके कंधे पूरी तरह से ढीले होते जा रहे हैं। अब आपके दोनों पैर भारी हो रहे हैं, दोनों पैर और ज़्यादा भारी हो रहे हैं, अब आपके दोनों पैर बहुत भारी हो रहे हैं, अब आपके दोनों पैर पूरी तरह से भारी होते जा रहे हैं, अब आपके दोनों हाथ भारी हो रहे हैं, दोनों हाथ और ज़्यादा भारी हो रहे हैं, अब आपके दोनों हाथ बिल्कुल भारी होते जा रहे हैं, अब आपके दोनों हाथ एकदम भारी होते जा रहे हैं, अब आपके दोनों हाथ पूरी तरह से भारी महसूस हो रहे हैं, अब आपका पूरा शरीर भारी हो रहा है, पूरा शरीर और ज़्यादा भारी हो रहा है, पूरा शरीर बहुत भारी हो रहा है, अब आपका पूरा शरीर बिल्कुल भारी होता जा रहा है, अब आपका शरीर एकदम भारी होता जा रहा है, अब आपको नींद आ रही है, अब मैं आपको गहरी नींद में ले जा रहा हूँ, अब आप बहुत गहरी नींद में सो जाएंगे। जैसे ही आप गहरी नींद में सो जाओगे, आपके अचेतन मन से रिलीजियस ओसीडी का सारा डाटा डिलीट हो जाएगा, उसके बाद पाप वाले, बीमारी वाले, बैड लक वाले, टॉयलेट सीमन, लात मारने वाले सारे विचार और सारा डाटा डिलीट हो जाएगा, आप एकदम ठीक हो जाओगे। पूरी तरह से ठीक होने के लिए आपको गहरी नींद में सो जाना है, मैं आपको बहुत गहरी नींद में लेकर जा रहा हूँ, आपने मेरी बातों को फॉलो करते जाना है और पूरी तरह से गहरी नींद में सो जाना है, इससे आपको ही लाभ होने वाला है, आपको बहुत लाभ होने वाला है, आप बिल्कुल गहरी नींद में सो जाओगे और आप पूरी तरह से ठीक हो जाओगे। अब मैं आपको बहुत गहरी नींद में ले जा रहा हूँ, अब मैं 10 से 1 तक गिनूंगा, जैसे ही मैं 10 कहूँगा आपको नींद आने लग जाएगी और मेरे 1 तक आते आते आप गहरी नींद में सो जाओगे, जैसे ही मैं 1 कहूँगा आपको गहरी नींद आ जाएगी। अब मैं 10 से 1 तक गिनती आरंभ कर रहा हूँ, 10 आपको नींद आ रही है, 9, 8, 7, 6, 5, 4,
तो एक सो जाओ, गहरी नींद में सो जाओ। अब आप बहुत गहरी नींद में जा रहे हो, इससे भी और गहरी नींद में सो जाओ, और ज़्यादा डीप, इससे भी ज़्यादा डीप। अब आप पूरी तरह से डीप, एकदम डीप स्लीप में जा रहे हो, इससे भी और गहरी नींद में जाते जाओ, और ज़्यादा गहरी नींद में चले जाओ, बिल्कुल गहरी नींद में, एकदम गहरी नींद में सो जाओ। अब मैं एक से पाँच तक गिनूंगा, मेरे पाँच कहते ही आपको बहुत गहरी नींद आ जाएगी, एकदम गहरी नींद आ जाएगी। एक, दो, तीन, चार, पांच, सो जाओ बिल्कुल गहरी नींद। अब आप बहुत गहरी नींद में सो रहे, आपको बहुत गहरी नींद महसूस हो रही है, बिल्कुल गहरी नींद, एकदम गहरी नींद। अब आपके दोनों पैर सुन्न हो रहे, अब आपके दोनों पैर और ज़्यादा सुन्न हो रहे, अब आपके दोनों पैर बिल्कुल सुन्न, अब आपके दोनों हाथ भी सुन्न हो रहे हैं, दोनों हाथ और ज़्यादा सुन्न हो रहे हैं, अब आपके दोनों हाथ बहुत सुन्न हो रहे हैं, अब आपके दोनों हाथ बिल्कुल सुन्न होते जा रहे हैं, अब आपका पूरा शरीर सुन्न हो रहा है, अब आपका पूरा शरीर बिल्कुल सुन्न होता जा रहा है। अब आप बहुत गहरी नींद में हो, बिल्कुल गहरी नींद, अब आपको बहुत गहरी नींद महसूस हो रही है, बिल्कुल गहरी नींद। अब मैं एक से तीन तक गिनूंगा और आपके माथे को टच करूंगा, जैसे ही मैं तीन कहूं और माथे को टच करूं, उसी वक्त आप बहुत गहरी नींद में सो जाओगे। मेरे माथे को टच करते ही और तीन कहते ही आपको बहुत गहरी नींद आ जाएगी। एक, दो, तीन, अब आपको बहुत गहरी नींद आ गई है, बिल्कुल गहरी नींद, अब आप बहुत गहरी नींद में जाते जा रहे हो, और ज़्यादा जा रहे हो, बहुत डीप। अब आपको मेरी आवाज़ बहुत स्पष्ट साफ सुनाई दे रही है, अब आप मेरी आवाज़ सुनते जाओ। जैसे जैसे आप मेरी आवाज़ सुन रहे हो, और ज़्यादा डीप स्लीप में जाते जा रहे हो, और ज़्यादा गहराई में जाते जा रहे हो, अब आप बहुत गहरी नींद महसूस कर रहे हो। अब आप समझ चुके हो कि पाप का डर झूठा डर था, ये पंडितों, पुजारियों, ब्राह्मण शास्त्रियों द्वारा फैलाया गया झूठ था, अपने धंधे के लिए उन्होंने पाप का डर फैलाया। आज से आप समझ चुके हो कि डरना, बीमार रहना,
ही पाप है। अब आप पाप से जागरूक हो चुके हो, पाप का डर मिट चुका है। अब आप समझ चुके हो कि खुश रहना, अपना काम करना, मस्त रहना ही पुण्य है। आज के बाद आप अपने कर्म में मस्त रहोगे और आप पुण्य में रहोगे। अब आप समझ चुके हो कि नरक जैसा कोई स्थान नहीं होता। ये पंडितों ने, पुजारियों ने, शास्त्रियों ने डर झूठा डाला है ताकि वो धंधा चला सकें। नरक जैसा कोई स्थान नहीं होता। आज से आपके अंदर से नरक का डर गायब हो चुका है, क्योंकि मरने के बाद शरीर को घर वाले जला देते हैं और आत्मा तो वैसे ही अजर अमर है, तो नरक में कौन जाता है? शरीर तो जल गया, आत्मा को ना शस्त्र काट सकते, ना हवा सुखा सकती, ना पानी गला सकता, ना आग जला सकती। तो ये नरक का डर झूठा डर है जो धार्मिक ग्रंथों में वर्णन किया गया है, वो सारी चीज़ें काल्पनिक हैं। आज से आप समझ चुके हो, कि भगवान किसी आदमी का नाम नहीं, शिव कोई आदमी नहीं है, वो तो प्रकृति के नियमों को ही कहा जाता है। भगवान काल्पनिक हैं, पत्थरों में भगवान नहीं है, मूर्तियों में भगवान नहीं है। ना कोई भगवान सजा देते हैं, ना कोई भगवान वरदान देते हैं। ये सारी काल्पनिक बातें हैं धार्मिक ग्रंथों या पप्पू धदुओं द्वारा फैलाया गया झूठ है, माया जाल है। ना भगवान टॉयलेट में होते, ना भगवान कहीं होते। भगवान तो कण कण में है, तो टॉयलेट में भी भगवान है। वीर्य भी भगवान ने बनाया है। भगवान खुद गीता में कहते हैं कि वीर्यवानों का वीर्य मैं हूँ, शास्त्रों अनुसार काम मैं हूँ, सब कुछ भगवान ने ही बनाया है। वीर्य, टॉयलेट, सारा कुछ प्रकृति ने बनाया है, तो प्रकृति ही भगवान है। भगवान कोई मूर्ति या इंसान का नाम नहीं, कोई व्यक्ति का नाम नहीं, प्रकृति के नियम ही भगवान होते हैं। जो टीवी सीरियलों में दिखाया गया, महादेव, ओम नमः शिवाय, जो भी सीरियल हैं, वो सारे काल्पनिक सीरियल थे, वो झूठ मूठ का ड्रामा था। टीवी वाले अपने व्यूअर बटोरने के लिए, टीआरपी के लिए, विज्ञापन के लिए, विज्ञापन से पैसा कमाने के लिए धार्मिक ग्रंथों से सीरियल झूठ मूठ के बनाते हैं, काल्पनिक कहानियां, काल्पनिक शक्तियां उनमें जोड़ देते हैं। ये डाटा सारा आपका डिलीट हुआ। नरक मानसिक रोग है, ओसीडी में रहना, परेशान रहना ही नरक है। खुश रहना, आनंदित रहना, मस्त रहना ही स्वर्ग है। स्वर्ग भी कोई स्थान नहीं, ये भी मन की अवस्था है। जब हम आनंदित हैं, खुश हैं, तो हम स्वर्ग में, और जब हम दुखी हैं, चिंतित हैं, तो हम नरक में हैं। नरक भी मन की ही अवस्था है और स्वर्ग भी मन की अवस्था है। आज से आप सब कुछ जान गए हो, आज से आपका नकली डर गायब हो चुका है। ना मंदिर में भगवान, ना मूर्ति में भगवान, भगवान कण कण में है, भगवान प्रकृति के नियम में है। तो आज से आप मंदिर के अंदर भी जाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मंदिर के पैर भी लगा दोगे कोई फर्क नहीं, क्योंकि मंदिर को बनाने वाले मिस्त्री ने भी तो पैर रखे थे, मंदिर में पेंट करने वाले पेंटर ने भी तो पैर रखे ही थे,
मूर्ति को बनाने वाले मूर्तिकार ने मूर्ति के ऊपर पैर लगाए ही तो थे। तो भगवान सब जगह है, तो पैर में भी भगवान है। आज से आप सच्चाई को जान चुके हो, ओसीडी का सारा झूठा डर गायब हो चुका है। अब आप पूरी तरह से ठीक हो चुके हो और आज के बाद आप एकदम ठीक रहोगे। अब आप मंदिर के आसपास से भी आराम से निकल जाओगे, मूर्ति को भी छू लोगे, मूर्ति की तरफ पैर रख कर भी सो जाओगे, तो भी आप खुश रहोगे। अब आप हमेशा खुश रहोगे और पढ़ाई पर पूरा फोकस करोगे। आज के बाद आप पूरा ध्यान पढ़ाई पर केंद्रित करोगे और पढ़ाई करके क्रिकेट खेल के आपको बहुत मज़ा आएगा, आनंद आएगा। आज के बाद ठीक हो चुके हो, अब आपके मन से ओसीडी का डाटा गायब हो गया है। अब आप बिल्कुल ठीक, अब आप अपने आप को पढ़ते हुए देख रहे हो, कामयाब होते हुए देख रहे हो, सब कुछ नॉर्मल काम करते हुए खुद को देख पा रहे हो। अब आप अपने फ्यूचर में जैसे जीना चाहते हैं वैसी ही तस्वीर देख रहे हो। अब आप पूरी तरह से ठीक हो चुके हो, अब आप एकदम ठीक रहोगे, अब आप पूरी तरह से ओसीडी मुक्त हो चुके हो, अब आप आनंद शांति खुशी को महसूस कर रहे हो। कुछ समय तक इसी मानसिक शांति आनंद का अनुभव करते रहो। कुछ समय बाद जैसे ही उठोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपको शांति खुशी आनंद महसूस होगा और आपका सारा डाटा जा चुका होगा, आप खाली खाली महसूस करोगे। अब आप कुछ समय तक आनंद शांति खुशी महसूस करते रहो और गहरी नींद में सोए रहो।